आप भले ही नेशनल एलिजिबिलिटी कम इन टेस्ट यानी कि नीट परीक्षा के टॉपर स्टूडेंट में शामिल हो, लेकिन हो सकता है कि आपको देश के टॉप मेडिकल कॉलेज एम्स में दाखिला ना मिल पाए। कुछ परीक्षाएं तो बेहतर होती है, लेकिन कुछ परीक्षाएं ऐसी होती है जिनमें धांधली या फिर पेपर लीक हो जाता है। अब देखना है कि इसमें क्या जांच होती है और जो भविष्य उन छात्रों ने मेधावी छात्रों देखा था उनका भविष्य सुनहरा हो पाएगा या अंधकार में नजर आए। न्यूज वॉल इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। आज जो देश में मुद्दा सबसे ज्यादा गर्म है वो एक तो राजनीति और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तीसरी बार शपथ, लेकिन एक जो मुद्दा है उस पर सबका ध्यान आकर्षित करना ये हमारी जिम्मेदारी है और ये है नीट की परीक्षा। आप भले ही नेशनल एलिजिबिलिटी कम इन टेस्ट यानी कि नीट परीक्षा के टॉपर स्टूडेंट में शामिल हो, लेकिन हो सकता है कि आपको देश के टॉप मेडिकल कॉलेज एम्स में दाखिला ना मिल पाए। अब लोगों के मन में सवाल है कि ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि बहुत सारी तस्वीर हमारे सामने आई है, वो वीडियोस हम आपको नहीं दिखा सकते क्योंकि वो तस्वीरें विचलित कर सकती है, लेकिन ट्विटर पर काफ़ी संख्या में ऐसी तस्वीरें ऐसे वीडियो वायरल हुए हैं। कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो रिजल्ट आने के बाद मौत को गले लगाते हुए नजर आए और ऐसा होता है हर परीक्षा में। कुछ परीक्षाएं तो बेहतर होती है, लेकिन कुछ परीक्षाएं ऐसी होती हैं जिनमें धांधली या फिर पेपर लीक हो जाता है या फिर कुछ तो गड़बड़ हो जाती है जिसकी वजह से जो स्टूडेंट्स हैं जो वो ये पेपर देते हैं वो आहत हो जाते हैं और आहत होकर इस तरह के कदम उठाते हैं। इस पर बात होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि ये हमारे देश के भविष्य का भी सवाल है और भविष्य है हमारे युवा। जैसे कि मैंने पहले कहा कि आप पूछेंगे कि ऐसा क्यों है, तो ऐसा इसलिए क्योंकि नीट परीक्षा में ऐसे विद्यार्थियों की संख्या 67 है जिन्होंने फर्स्ट रैंक हासिल की है ना, आश्चर्यचकित कर देने वाली तस्वीर। ये एक अभूतपूर्व स्थिति है। 4 जून 2024 की बात है जब नीट परीक्षा के परिणाम घोषित होने के बाद ऐसे कई दावे सामने आए कि इस परीक्षा का आयोजन ठीक तरीके से नहीं हुआ। 4 जून को देश की निगाह किसकी सरकार बन रही है इस पर थी, लेकिन इस ओर किसी ने ध्यान देने की जरूरत नहीं समझी न जहमत उठाई है। नीट वो परीक्षा है जिसमें डॉक्टरी की पढ़ाई की इच्छा रखने वाले विद्यार्थी शामिल होते हैं। इसके स्कोर के आधार पर उन्हें मेडिकल कॉलेजेस में दाखिला मिलता है। टॉप रैंक पर आने वाले 67 बच्चों में 6 ऐसे हैं जिन्होंने हरियाणा के एक ही परीक्षा केंद्र पर इम्तिहान दिया था। कुछ बच्चों को ऐसे अंक भी मिले हैं जो परीक्षा की मार्किंग स्कीम के लिहाज से मुमकिन ही नहीं थे। इन दावों को खारिज करते हुए इस नीट का आयोजन करने वाली नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने परीक्षा में किसी तरह के धांधली या प्रश्न पत्र लीक होने से संबंधित आरोपों से साफ इनकार कर दिया। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने अपने स्पष्टीकरण में कह दिया है कि सिर्फ उन्हीं विद्यार्थियों को अतिरिक्त मार्क्स दिए गए हैं जिन्हें प्रश्न पत्र समय पर नहीं मिला था। हालांकि इस बार के नीट में शामिल होने वाले कई विद्यार्थी परीक्षा फिर से आयोजित कराए जाने की मांग कर रहे हैं। देश की कई ऐसी अदालतें हैं जहां पर मुकदमे भी दायर किए गए हैं। इस बार नीट परीक्षा का आयोजन 5 मई को कराया गया था। नीट परीक्षा में शामिल होने के लिए 24 लाख से ज्यादा विद्यार्थियों ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया था। इनमें से 23.33 लाख बच्चे परीक्षा में शामिल हुए। आपको बता दें कि निर्धारित समय के अनुसार परीक्षा के परिणाम 14 जून को घोषित होने थे, हालांकि रिजल्ट 10 दिन पहले यानी कि 4 जून को ही आ गया। नीट परीक्षा की प्रक्रिया पर नजर रखने वाले जानकारों के मुताबिक गड़बड़ी के अंदेशे का पहला संकेत इसी बात से मिल गया था कि परीक्षा का जो रिजल्ट है वो 14 तारीख को आना था, लेकिन वो 4 तारीख को ही आ गया। इसके अलावा कोचिंग इंस्टीट्यूट और विद्यार्थियों ने नीट परीक्षा को लेकर कई गंभीर चिंताएं सामने रखी हैं। परीक्षा परिणाम के मुताबिक 67 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 100% स्कोर किया है, यानी कि 720 नंबर की परीक्षा में उन्हें पूरे के पूरे 720 नंबर हासिल किए हैं। ऐसा पहली बार है कि इतनी बड़ी संख्या में विद्यार्थियों ने पूरे 100% नंबर हासिल कर लिए हों। 2023 में ये उपलब्धि केवल 2 ही छात्रों ने हासिल की थी। साल 2022 में किसी भी छात्र ने पूरे नंबर हासिल नहीं किए थे। उस साल भी नीट का कुल पूर्णांक 720 था और परीक्षा में टॉप करने वाले बच्चों को 715 नंबर आए थे। इस बार की नीट परीक्षा में जिस बात की ओर सबका ध्यान गया है वो है कि 67 टॉपर स्टूडेंट्स में से 6 बच्चों का परीक्षा केंद्र हरियाणा के झज्जर जिले का एक सेंटर था। विशेषज्ञों का कहना है कि इसकी संभावना सामान्य रूप से बहुत कम है। परीक्षा की प्रक्रिया और परिणाम को लेकर संदेह जताने वाले लोग जिस तरह से बात की ओर ध्यान दिला रहे हैं वो ये है कि कुछ छात्रों को 720 नंबर की परीक्षा में 718, 719 नंबर आए हैं,
जो परीक्षा की स्कीम के लिहाज से गणितज्ञ रूप से मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि इस परीक्षा में किसी प्रश्न के सही उत्तर पर 4 अंक निर्धारित थे और गलत जवाब होने की सूरत में 1 अंक काट लिए जाने का प्रावधान किया गया था। इसलिए अगर किसी छात्र ने सभी सवालों के सही जवाब दिए और उससे 1 जवाब गलत हो गया तो मार्किंग के नियमानुसार वो 715 नंबर हासिल करेगा। पेपर लीक के भी आरोप सामने आ रहे हैं। इस सिलसिले में बिहार में एक FIR दर्ज कराई गई है और 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने इस केस की जांच के लिए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन किया है। नीट परीक्षा में जिस पैमाने पर बच्चों को अच्छे नंबर मिले हैं उससे क्वालिफाइंग स्कोर काफ़ी बढ़ गया है। पिछले 3 सालों में नीट परीक्षा का क्वालिफाइंग स्कोर 130 था, जबकि इस साल ये बढ़कर 164 हो गया। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने 6 जून को एक प्रेस रिलीज जारी कर इन तमाम आरोपों से इनकार कर दिया। NTA ने अपने जवाब में कहा कि जल्द से जल्द परिणाम घोषित करना एक तय प्रक्रिया है। इस बार NTA ये काम 30 दिनों के भीतर कर पाई है। NTA का कहना है कि उसने 1563 परीक्षार्थियों को ग्रेस मार्क्स दिए हैं, क्योंकि उन्हें परीक्षा के लिए कम वक्त मिला था। कुछ परीक्षार्थियों ने अदालत में याचिका डालकर कहा था कि परीक्षा केंद्र पर वो वक्त से अपनी परीक्षा शुरू नहीं कर सके। NTA ने कहा कि सेंटर की CCTV फुटेज देखकर और अधिकारियों से बातचीत करने के बाद इन परीक्षार्थियों को ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं। एजेंसी कहती है कि इसलिए वही फार्मूला अपनाया गया जो सुप्रीम कोर्ट के कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट के लिए सुझाया जाता है। यही कारण है कि कुछ छात्रों को 718 जैसे नंबर मिले हैं। इसके अलावा एजेंसी ने यह भी कहा कि 720 अंक पाने वाले 6 छात्र ऐसे हैं जिन्हें ग्रेस मार्क्स मिले हैं। इसके अलावा 44 अन्य छात्र जिन्हें 720 मार्क्स यानी कि 100% अंक पाए हैं, उन्हें फिजिक्स के एक प्रश्न के उत्तर के लिए रिविजन मार्क्स दिए गए हैं। NTA ने इस बात से भी किनारा कर लिया कि परीक्षा का पेपर लीक हुआ। इसके अलावा एजेंसी ने कहा कि परीक्षा की सुनिश्चा से समझौता नहीं किया जा सकता। परीक्षा के बारे में शिकायतों पर एजेंसी कहती है कि तय प्रक्रियाओं के तहत कार्रवाई हो रही है। पिछले कुछ दिनों में सोशल मीडिया पर छात्रों और कोचिंग सेंटर ने बहुत सारी शिकायतें की है। कुछ ऐसे लोग हैं जो जानकार हैं, वो कहते हैं कि पूरे मामले में कुछ गड़बड़ियां हैं। भारत में कई प्रवेश परीक्षाएं होती हैं। आमतौर पर कुछ परीक्षार्थी ऐसे होते हैं जो बढ़िया अंक प्राप्त करते हैं, लेकिन ये बहुत बड़ा अपवाद है कि हम 1 या 2 नहीं बल्कि 67 लोगों की बात कर रहे हैं। उनका ये भी मानना है कि ग्रेस मार्क्स देने का काम गैर पारदर्शी तरीके से किया गया। वो लोग कह रहे हैं कि जब उत्तरों की कुंजी परिणाम से पहले प्रकाशित की जाती थी तब केवल NTA या अन्य परीक्षा संस्था ही स्पष्ट करती थी कि क्या वे प्रश्न में किसी समस्या के कारण अतिरिक्त अंक दे रहे हैं या नहीं। वो कहते हैं कि इस मामले में तब उनसे पूछा गया, तभी उन्होंने स्पष्टीकरण दिया। जब परिणाम घोषित किए गए तो कई लोगों ने सवाल उठाया कि आखिर किसी को 718 जैसे नंबर कैसे मिल सकते हैं। तभी NTA ने एक ट्वीट में स्पष्ट किया कि ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्सपर्ट, कई ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जो बता रहे हैं कि हम छात्र की उत्तर पुस्तिका जो है, मतलब की जो आंसर शीट मिली थी, वो जा चुके हैं और उन्होंने पाया कि छात्र को NTA ने 85 अतिरिक्त अंक दिए हैं, और ऐसा कई लोग दावा कर रहे हैं। आपको बता दें कि ज्यादा लोगों को अंक मिलने से कट ऑफ बहुत ज्यादा हो गई है। मोशन एजुकेशन नाम के कई ऐसे इंस्टीट्यूट हैं, इससे अलावा भी और इंस्टीट्यूट हैं, जो कहते हैं कि इस बार एक ही जैसे कट ऑफ वाले छात्रों की संख्या 3 गुना हो गई है। यह संभव है, इस बार का पेपर कई पिछले वर्षों की तुलना में आसान तो नहीं था। चीटिंग हुई है, हमें अपनी आवाज उठानी चाहिए। इस विवाद का असर छात्रों पर भी काफी ज्यादा बड़ा है। देखिए, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने नीट की परीक्षा दी थी, वो कहते हैं कि सब लोगों का इस परीक्षा पर से भरोसा उठ गया है। मैंने 600 अंक स्कोर किए हैं, मुझे उम्मीद थी कि इतने स्कोर में मेरी रैंकिंग 30,000 से आसपास रहेगी, लेकिन मुझे 80,000 का रैंक मिला और एक कट ऑफ से कहीं नीचे है। वो कह रहे हैं कि अगर कोई दूसरा वर्ष होता तो उन्हें किसी कॉलेज में दाखिला मिल जाता, लेकिन इस साल ये मुमकिन ही नहीं है। तय समय पर पेपर नहीं होने पर दिए गए ग्रेस मार्क्स की पद्धति पर भी सवाल उठे हैं। वो कहते हैं कि पेपर 1 घंटा देर से शुरू करवाने पर इसलिए 100 अंक देते हैं क्योंकि सही वक्त पर पेपर मिला तो मैं ये अंक हासिल कर सकता था, लेकिन अतिरिक्त समय में मैं उनमें से कई प्रश्नों के गलत उत्तर भी दे सकता था। तो ये कहीं ना कहीं कह देना कि वो पेपर सही समय पर नहीं मिला था, इस वजह से उन्हें 100 अंक ज़्यादा दिए गए हैं, ये बात डाइजेस्ट नहीं हो पा रही है। कई छात्रों ने मांग की है कि परीक्षा दोबारा होनी चाहिए। स्टूडेंट्स कहते हैं कि हम चाहते हैं कि परीक्षा दोबारा हो। जब टॉप करने वाले 8 छात्र एक ही सेंटर से हों तो कुछ ना कुछ गड़बड़ लगना लाजमी है। परीक्षा को दोबारा करवाया जाना की मांग वाली 2 याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हो चुकी है।
17 मई को अदालत ने ऐसी एक याचिका के तहत नोटिस जारी किया था, लेकिन अदालत ने कहा था कि इसकी सुनवाई गर्मी की छुट्टी के बाद होगी। उस याचिका में कहा गया कि पेपर लीक होने के कारण कई मेधावी छात्रों को बराबरी का अवसर नहीं मिला है। याचिका में मांग की गई थी कि हर राज्य में पेपर लीक की जांच के लिए एक विशेष दल का गठन किया जाना चाहिए। मुद्दा सियासी पार्टियां भी उठा चुकी हैं। 7 जून को कांग्रेस ने एक प्रेस वार्ता कर मांग की थी कि नीट की परीक्षा में अनियमितताएं की जांच होनी चाहिए। अब देखना है कि इसमें क्या जांच होती है और जो भविष्य उन छात्रों ने मेधावी छात्रों देखा था उनका भविष्य सुनहरा हो पाएगा या अंधकार में नजर आएगा, क्योंकि रैंकिंग बढ़ रही है और साथ ही साथ कट ऑफ बढ़ रही है और रैंकिंग लगातार गिर रही है, जिसकी वजह से इन बच्चों को परेशानी भविष्य में हो सकती है। मुद्दा देश का मैं आज के लिए इतना ही, अगले सप्ताह फिर लौटेंगे किसी और मुद्दे पर बात करेंगे। धन्यवाद।